जो प्रधानमंत्री अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है वो देश की सुरक्षा क्या करेगा। केंद्र की सरकार सबसे निकम्मी सरकार, आज तक की सरकारें नहीं है उसकी सबसे निकम्मी सरकार है, और जो हम लोगों ने बनाया उसे लगातार बेचने का काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो 70 साल में देश के मजदूरों ने, किसानों ने, व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने, यहाँ के नौजवानों ने जो काम किया उसको वो उसका अपमान कर रहे हैं, क्योंकि देश केवल नेताओं का नहीं है या कांग्रेस पार्टी का नहीं रहा है, ये सबका है। इस देश में सुई तक नहीं बनती थी और आज हम अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ रहे हैं, तो ये यहाँ के वैज्ञानिकों के, यहाँ के सरकारें जो रही उसकी दूरदृष्टि के कारण से संभव हुआ। आज शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश और दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजता है, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, और दूसरे आईटी सेक्टर में देखे जितने हमने कॉलेज और संस्थाएं खोले और उसमें जो बच्चे पढ़ के तैयार हो उसको रोजगार देने की स्थिति में नहीं है सरकार, और जो हम लोगों ने बनाया उसे लगातार बेचने का काम कर रहे हैं। केंद्र की सरकार सबसे निकम्मी सरकार, आज तक की सरकारें नहीं है उसकी सबसे निकम्मी सरकार है। एक चीज बताइए आप, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब नमस्ते ट्रंप कर रहे थे तब भी सचेत किया था कोरोना दरवाजे पे है, आप उसको रोकने का काम करिए, तभी लोग मजाक उड़ा रहे थे। ये जब नमस्ते ट्रंप कर रहे थे तब मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में लगे हुए थे और कोरोना को फैलने दिया, तो ये अपनी नाकामी को कैसे छुपाना है, मतलब हर चीज को कांग्रेस को गाली देना इनका। भाई 8 साल हो गया आपको सरकार में आए, तो आप अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए ताली थाली बजाने से कितना कोरोना भागा। वो केवल एक ही शब्द गलत बोल गए, पीएम की जगह सीएम बोल दिए। यदि वहां जाके बठिंडा में आके आप ये कहते मैं सुरक्षित वापस आ गया, इसके लिए धन्यवाद। जो प्रधानमंत्री अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है वो देश की सुरक्षा क्या करेगा, और उसे भी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आपकी भीड़ थी नहीं, 70,000 कुर्सी लगाए थे, 700 आदमी नहीं बैठे थे, तो आप अपने झेप मिटाने के लिए राजनीति कर रहा है, और भी सुरक्षा को लेकर, सुरक्षित जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर। आपको लेकर देखिए एक संस्था में घटना घटी, कुछ बच्चे एक दूसरे के खिलाफ नारा लगाए, होना क्या था, होना यह था कि संस्था प्रमुख को पालकों को बुलाते और समझाई देते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे संस्था के रूल्स हैं, इसके हिसाब से चलना है, और उस घटना को आप प्रदेश व्यापी और राष्ट्रीय समस्या बना दी। तो जो लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि अंजाम क्या होगा, ये कहाँ जा थमेगा। नेतृत्व जो कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। देखिए हमारा तो खुला खेल है, सब जानते हैं हमारी स्थिति क्या है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग को उत्सुकता इसमें है कि मोदी, योगी और शाह ने जो आजकल खिचड़ी पक रही है और अलग अलग खिचड़ी पका रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है, कौन किसको निपटा रहा है, अब क्यों निपटा रहे हैं, लोगों को उत्सुकता इसमें ज्यादा है। उसकी अपनी राजनीति है, वो अपने शुरू से वो समाजवादी राजनीति करते रहे हैं अलग तक, और वैचारिक रूप से बिल्कुल मेरा नहीं बनता उनसे, मेरे पिताजी हैं इसलिए उनका मान सम्मान है, लेकिन वैचारिक रूप से बिल्कुल नहीं जानता वो किस मामले में क्या बयान दिए हैं और क्या चिट्ठी लिखी है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। जीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहां भी उसको रिलीफ नहीं मिला, मतलब उसके मामले में जो गिरफ्तारी हुई वो कितना गंभीर है इस बात को समझा जा सकता है।
शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।